मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर पीएसएल शुरू है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि क्रिकेट का जो पीएसएल है, पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है। इंडिया में खैर सुपर लीग होती है, आईपीएल होता है, तो पूरी दुनिया को पता चलता है, लेकिन पाकिस्तानियों ने पीएसएल बॉयकॉट का ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया और बहुत सारे पाकिस्तानियों ने पीएसएल का बॉयकॉट भी कर दिया है, और यही वजह है कि पीएसएल की जो व्यूअरशिप है ना वो बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि लीग बहुत हो रही है, फिर आईपीएल होने वाली है, तो क्रिकेटर जो है वहां ज्यादा प्रेफर करते हैं, करोड़ों रुपए में बिकते हैं। लेकिन वजह क्या समझते हैं, क्यों नहीं इतने देखे बड़े? देखिए सीधी बात पैसे की बात है, जो मुझे ऐसा लगता है जो क्रिकेटर्स जो मैं समझ रहा हूँ कि पीएसएल में इस वजह से नहीं आए क्योंकि आईपीएल होनी है, तो वो लोग नहीं देखते लोग, लेकिन आईपीएल जब शुरू थे लोग सारे देखते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, इसको तो देखेंगे आप, तो फिर लोग उसके ऊपर डाइवर्ट हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि जो हमने टाइम जाया करना है वो हम किसी अच्छी चीज को देखकर जाया करें, वो फिर आईपीएल देख रहे थे, तो पीएसएल की व्यूअरशिप ऐसे बड़ी ज्यादा कम हो रही है। आप देख रहे हैं ये वीडियो के इनसे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हुए हैं उनको शलवार और नाड़ा हाथ में देकर उनसे शलवार और नाड़ा बनवा रहे हैं। हमने गलत नाम तो नहीं रखा था ना मेरे दोस्त, हमने पट्टा शलवार लीग नाम रखा था, और आप इनके एड देखिए कि शलवार वाले एड करवा रहे हैं। भाई मैं आज आपके प्रोग्राम में एक बात बोल रहा हूँ, आपकी पीएसएल बैठ जाएगी, ये मेरी बात लिख लें, जब तक आप प्लेयर्स के पैसे नहीं बढ़ाएंगे आपकी लीग बैठ जाएगी। टीम बढ़ाने की बात हो रही है, आप पैसे बढ़ाने की बात करें, टीम बेशक बढ़ाएं, 8 करें, 10 करें, 12 करें, जो आपकी मर्जी है। इंडियन प्रीमियर लीग का जो ग्रॉस बजट है वो है $12 बिलियन, जबकि पीएसएल का है $300 मिलियन। अच्छा, $12 अरब और $3 मिलियन, $300 मिलियन। अच्छा। फिर अगर देखा जाए तो जो बाहर के खिलाड़ी आए हुए हैं वो सारे के सारे रिटायर प्लेयर्स जो लेके आए हुए हैं पीएसएल में, वो प्लेयर जिनको आईपीएल पूछता ही नहीं है, कोई और लीग पूछती नहीं है। ये जो भी इंडिया के जो प्लेयर्स आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे आईपीएल से आ रहे हैं, पैसा भी है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी है, हर चीज अच्छी है। दूसरी तरफ पीएसएल के अंदर क्वालिटी है लेकिन पैसा नहीं है, बड़े प्लेयर्स पैसा मांगते हैं। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आईपीएल की तरह अब पाकिस्तानी भी अपने पीएसएल यानी कि पाकिस्तानी सुपर लीग को भी बढ़ावा देना चाहते हैं, इसीलिए आईपीएल का कॉपी करते हुए पाकिस्तान भी पीएसएल कराना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में पीएसएल का तो शुभारंभ हो गया है, लेकिन वहां पर एक भी महंगे खिलाड़ी नहीं पहुंचे हुए हैं और न ही ज्यादा पीएसएल का कोई ज्यादा व्यूअर है, इसीलिए पीएसएल का काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। विदेशी व्यूअर को तो छोड़िए, खुद ही पाकिस्तानी पीएसएल को बायकॉट कर रहे हैं। दोस्तों जिस तरीके से हमारे आईपीएल को सारी दुनिया टेलीकास्ट करती है और साथ ही साथ पाकिस्तान भी अपने टीवी चैनलों पर टेलीकास्ट करता है, जिसके वजह से आईपीएल इस दुनिया में एक ब्रांड बन चुका है और आईपीएल का व्यूअर भी ज्यादा है, लेकिन वहीं इस पाकिस्तान के पीएसएल को कोई देखता तक भी नहीं, इसीलिए फ्लॉप होते जा रहा पीएसएल। ये पाकिस्तानी हमारे आईपीएल को बढ़ावा देते हुए खुद ही बोल रहे हैं कि आईपीएल का सामना पीएसएल थोड़ा बहुत भी नहीं कर सकता है। दोस्तों आईपीएल के दौरान या फिर कोई क्रिकेट के दौरान हमारे देश भारत में कोई बड़ा ब्रांड को प्रमोट किया जाता है, तो वहीं इस पीएसएल यानी पाकिस्तान में डाड़ा और नाड़ा को ये सब पाकिस्तानी प्रमोट करने में लगे हुए हैं। अब जरा इन पाकिस्तानियों का बयान सुनिए, अपने पीएसएल को लेकर की क्या बोल रहे हैं। एक चीज है कि इस लीग में वो टॉप के क्रिकेटर्स तंगी नजर नहीं आए, के जो आप दुनिया की दीगर लीग देखें। एक बात तो मैं मानता हूं आप दोनों की, क्योंकि लीग बहुत हो रही है, फिर आईपीएल होने वाली है, तो क्रिकेटर जो है वहां ज्यादा प्रेफर करते हैं, करोड़ों रुपए में बिकते हैं, लेकिन वजह क्या समझते हैं, क्यों नहीं इतने बड़े? देखिए सीधी बात पैसे की बात है, जो मुझे ऐसा लगता है जो क्रिकेटर्स जो मैं समझ रहा हूँ कि पीएसएल में इस वजह से नहीं आए क्योंकि आईपीएल होनी है, वही लोग जो आईपीएल में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने टीम्स खरीदी हुई हैं, उन्हीं से मिलते जुलते ये वही लोग ही, उन्होंने दुबई में लीग खरीदी हुई है और आगे पीछे साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका हर जगह पे इनसे मिलते जुलते लोग, अगर यही लोग इसी पीएसएल के दौरान कोई लीग करवाएंगे, ये सब क्रिकेटर्स जाके वहां खेलेंगे, उसकी सबसे मेन वजह है पैसा। कॉन्ट्रैक्ट है ना सर, कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं, उसके साथ पैसा भी देते हैं, जिनको जिनके दो दो तीन तीन साल के कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते लेकिन जब खेलने आते सीधे पैसा देते हैं। मैं आज आपके प्रोग्राम में एक बात बोल रहा हूँ, आपकी पीएसएल बैठ जाएगी, ये मेरी बात लिख लें, जब तक आप प्लेयर्स के पैसे नहीं बढ़ाएंगे आपकी लीग बैठ जाएगी। टीम बढ़ाने की बात हो रही है, आप पैसे बढ़ाने की बात करें, टीम बेशक बढ़ाएं, 8 करें, 10 करें, 12 करें, जो आपकी मर्जी है, लेकिन पैसा आप नहीं बढ़ाएंगे, आपके ओवरसीज प्लेयर्स नहीं आएंगे, पैसा कौन बढ़ाएगा? पैसे से दिमाग चेंज हो जाता है बंदे का। ये इन्होंने अच्छी और गहरी बात की है, जितनी लीगें हो रही है अब पैसा प्लेयर सोशल मीडिया पे भी लोग कमा रहे हैं। देखिए मैं आपको भी बताता हूँ, अभी परसों एक ड्राफ्ट खत्म हुआ है, ओवर 30 प्लेयर्स का ड्राफ्ट हुआ, श्रीलंका में लीग हो रही है, उसमें भी 90% जो ऑनर्स हैं वो इंडियंस हैं, और वो लीग भी कराने वाला भी शायद इंडियंस ही हैं। तो लीग तो हर जगह हो रही है, जहाँ अच्छे पैसे मिल रहे हैं प्लेयर को, वहाँ प्लेयर आएंगे। $1,75,000 नहीं मिले, देखिए पाकिस्तान भी अच्छा दे रहा है, मैं उसके पॉइंट को बैक कर रहा हूँ, मैं इनके पॉइंट को बैक कर रहा हूँ इस तरह की, अगर ये पैसे बढ़ाएंगे तो बड़े नाम क्यों नहीं इंटरेस्टेड होंगे, और अगर सारे प्लेयर ऐसे फ्रेंचाइज बढ़ाएगी या क्रिकेट बोर्ड उनको कहेगा, क्रिकेट बोर्ड उनसे बात करेगा हमें बढ़ाने, बात करेगा लीग का लेवल बढ़ा रहे हैं, कह रहा है कि फिर लीग फिर बिल्कुल नीचे आ जाएगी ना, अगर आप बिल्कुल नीचे तो नहीं आएगी, ऐसी बात नहीं है, स्टैंडर्ड है हमारा, मगर आपकी लीग को डैमेज हो रहा है, देख बड़े बड़े नाम नहीं आ रहे, और नेक्स्ट ही मंथ मेरे ख्याल से आईपीएल है, इसके लिए भी रुके हैं, मगर आपको ये सोचना पड़ेगा, अगर पैसे बढ़ेंगे तो बड़े नाम भी इंटरेस्टेड होंगे। प्लैटिनम को कितने पैसे मिले, $1,70,000 बढ़ाओ ना उसको, आप बढ़ाएंगे कहां से लाएंगे, आइकॉन होता है सर, मैं यही तो कह रहा हूँ, आपके डायमंड को $85,000 मिल रहे हैं, बढ़ाओ ना इसको, बढ़ाओ, सिंपल सी चीज, लाएंगे कहां से, बढ़ाओ तो सही, क्यों नहीं लाओगे? देखिए बात सुने, एक चीज बता दूं मैं आपको, जब आप अपनी पीएसएल में पैसा नहीं ला सकते ना, तो फिर मेरे सामने कोई ये मुझे ना बोले कि यार पीएसएल बहुत बड़ा ब्रांड है, आपका ब्रांड बनता उस वक्त है जब आपका पैसा लेके आते हैं। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर
पीएसएल शुरू है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि क्रिकेट का जो पीएसएल है, पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है। इंडिया में खैर सुपर लीग होती है, आईपीएल होता है, तो पूरी दुनिया को पता चलता है। लेकिन ये बताएं कि ये जो पीएसएल हो रहा है, इसके हवाले से हमें बताएं कि क्या हो रहा है, कितने खिलाड़ी बाहर से आए हुए हैं? हमारे पास तो कहते हैं पैसे ही नहीं है। इस दफा पाकिस्तान के प्लेयर्स की इनकम कम हो गई है और कई प्लेयर्स जो हैं इसकी वजह से नाराज भी हैं कि उनकी इनकम जो है कम कर दी गई है। जो बाबर आजम 1,70,000 डॉलर दे रहे थे, वो आज 1,04,000 डॉलर का पीएसएल खेल रहे हैं। तो ये क्या हुकूमत के पास पैसे नहीं है, प्लेयर्स की कीमत कम हो गई है, क्या है, ऐसा क्या हुआ है, आपको कुछ पता है? इस दफा हमारा जो बजट थोड़ा सा कम था, इनके जो पाकिस्तान की इकॉनमी भी काफी कमजोर हो चुकी है, इसकी वजह से पाकिस्तान के पीएसएल का जो है बजट भी कम हो चुका था। इंडियन प्रीमियर लीग का जो ग्रॉस बजट है वो है 12 बिलियन डॉलर, जबकि पीएसएल का है 300 मिलियन डॉलर। अच्छा, 12 अरब डॉलर और 3 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर। अच्छा। इंडिया के जो सबसे बड़ी जो है टीम है मुंबई इंडियंस, जिनके जो ओनर हैं वो है मुकेश अंबानी, इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन। वो प्लेयर्स को ज्यादा स्पॉन्सर करते हैं, ज्यादा उन्हें इनकम देते हैं, अच्छा उन्हें सिस्टम देते हैं, अच्छी कोचिंग होती है और ज्यादा पैसे भी दिए जाते हैं खेलने के लिए। हमारे प्लेयर्स के तो 3-3 माह की सैलरी भी नहीं मिलती है। हमारे जो नेशनल प्लेयर्स हैं जैसे कि बाबर आजम, रिजवान, इफ्तिहार, जो बड़े प्लेयर्स हमारे स्टार प्लेयर्स, 3-3 माह की सैलरी ही नहीं मिलती है। बांग्लादेश में भी कहते हैं कि वहां पे भी है, वो पाकिस्तान से मजबूत है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग बोलते हैं उसको, जी, तो उसके बारे में अगर कुछ पता है आपको तो बताएं। जी, बीपीएल जो है पाकिस्तान से आगे है, वो एडिशन जो उनका वो इतफा 10th एडिशन था और वो बहुत अच्छा है। बाबर आजम भी खेलने गए थे बीपीएल, उन्हें कुछ मैचेस खेले हैं। और जो है वैसे बांग्लादेश का कोई प्लेयर पाकिस्तान नहीं खेलने आता, हम खेलने जाते हैं बीपीएल, और बांग्लादेश का कोई प्लेयर पाकिस्तान नहीं अभी तक आया खेलने के लिए पीएसएल। बड़े दुनिया के जितने भी स्टार्स हैं वो इंडियन प्रीमियर लीग खेलना पसंद करते हैं और पीएसएल को तो कोई ध्यान नहीं देता है, किसी को पता भी ना होता पीएसएल स्टार्ट हुआ है। लेकिन पीएसएल में कुछ खिलाड़ी तो बाहर से आए हैं, वो कौन से खिलाड़ी हैं? जो खिलाड़ी पाकिस्तान में आए हैं क्या वो इंडिया में भी खेले जाते हैं? उनमें से बहुत कम जो खिलाड़ी हैं वो इंडिया खेलने जाते हैं। ज्यादातर जो है छोटे खिलाड़ी होते हैं वो पाकिस्तान आते हैं पीएसएल खेलने के लिए, वरना ज्यादातर जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, हम हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हमने दें। जो फाइनल में जो विनर होगी टीम उसे हम देंगे 12 करोड़ रुपीज, पाकिस्तानी रुपीज, और जबकि इंडिया जो है अपने टीम को जो विनर होगी आईपीएल की फाइनल में उसे 20 करोड़ इंडियन रुपीज दे रही है और रनर आपको 13 करोड़ इंडियन रुपीज दे रही है, जो कि पाकिस्तान बहुत आगे निकला। पीएसएल के अभी तक 5 मैचेस हो चुके हुए, अभी से सवाल उठने लग गया पीएसएल के ऊपर। वैसे तो हम तो मानते हैं कि ये हमारी दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग है और पूरी दुनिया भी इसको मानती थी, लेकिन पिछले एक साल से पाकिस्तान सुपर ई लीग दूसरे पोजीशन से तीसरी पोजीशन के ऊपर आ चुकी हुई है। लेकिन कहा जा रहा था कि सीजन के बाद से दोबारा से पाकिस्तान सुपर लीग जो कि पीएसएल है वो दोबारा से सेकंड बेस्ट लीग बन जाएगी, लेकिन बहुत सारे सवाल उठने लग गए हैं। पीएसएल की व्यूवरशिप क्यों कम है, पीएसएल के अंदर इतने फेलियर्स क्यों हो रहे हैं, अब आपके सामने रख देते हैं। सिर्फ 5 मैचेस हुए हैं, एक मैच के अंदर ब्रॉडकास्ट जो था वो जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था वो रुक गया था, 20 से 25 मिनट तक वो बंद रहा था। उसके बाद फिर एक मैच के अंदर जो फ्लड लाइट से वो टावर उड़ गया था, जैसे कि हमने पहले भी पिछली पीएसएल के सीजन में भी देखा था। व्यूवरशिप बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएसएल 9 की उतनी व्यूवरशिप क्यों नहीं आ रही जितनी पीएसएल 9 की आनी चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। ओवरसीज प्लेयर फैक्टर है, क्योंकि इस दफा पीएसएल के अंदर वो ओवरसीज प्लेयर नहीं है। हर सीजन हम सुनते हैं अगले साल पीएसएल के अंदर अच्छे फॉरेन प्लेयर्स आएंगे, अच्छे फॉरेन प्लेयर्स नहीं आते। सच्ची बताऊं तो मुझे भी जो कहता ना फॉरेन प्लेयर मजे के नहीं लग रहे, लीग का मजा नहीं आ रहा, बड़े फॉरेन प्लेयर्स होने चाहिए। मैं इस चीज को मानता हूं, जिस तरह से आईपीएल में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं उस तरीके के पीएसएल के अंदर भी फॉरेन प्लेयर्स आने चाहिए, जो कि होना चाहिए था। ये वही है आईपीएल पीएसएल के फॉरन बाद है, पीएसएल से पहले साउथ अफ्रीका की लीग, बांग्लादेश की लीग, बिग बैश लीग और आईएल T20 चल रही होती है। इतनी सारी लोग ऑलरेडी लीग देख रहे होते हैं, फिर पीएसएल की बारी आके वो बोर हो जाते हैं। जिस तरह हम दूसरी लीग नहीं देख रहे होते, वो भी कहते हैं क्या आप लीग चलते रहेंगे, क्या देखे करना, तो वो लोग नहीं देखते लोग। लेकिन आईपीएल जब शुरू थे लोग सारे देखते, लोग कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, इसको तो देखेंगे, तो फिर लोग उसके ऊपर डाइवर्ट हो जाते हैं। लोग कहते हैं जो हमने टाइम जाया करना है वो हम किसी अच्छी चीज को देखकर जाया करें, वो फिर आईपीएल देख रहे थे। तो पीएसएल की व्यूअरशिप ऐसे बड़ी ज्यादा कम हो रही है। पीएसएल की अगर मैं बात करूं तो इस दफा पीएसएल पूरी दुनिया के अंदर दिखाई जा रही है, काफी सारे मुल्कों के अंदर पीएसएल को टेलीकास्ट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी व्यूअरशिप की बातें चल रही है। देखिए, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन आईपीएल एंड पीएसएल, ये तो सिंपल सी चीज है, बनता ही नहीं है। क्योंकि हम हर बार कहते हैं कि ना पीएसएल के अंदर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, वहां पे पैसा है, ऐसी बात नहीं है। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वहां पे भी है, ये जो भी इंडिया के जो प्लेयर्स आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे आईपीएल से आ रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, तभी तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं ना। पैसा भी है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी है, हर चीज अच्छी है। दूसरी तरफ पीएसएल के अंदर क्वालिटी है लेकिन पैसा नहीं है, बड़े प्लेयर्स पैसा मांगते।